नमस्कार और आदाब। स्वागत है आप सभी का QNS न्यूज़ की न्यूज़ बुलेटिन में और मैं हूं आंचल मिस्कीन। चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए खबरों की शुरुआत करते हैं। आज श्रीनगर में मेगा वैक्सीनेशन मेला का आयोजन हुआ था और ये पंथा चौक, परमपुरा और बटमालू ओल्ड बस स्टैंड पुलिस स्टेशन के ऑपोजिट कंडक्ट किया गया। दिल्ली में कार चोरी करने और कश्मीर में बेचने के जुर्म में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 24 जून की ऑल पार्टी मीट में मिली निराशा को नज़र में रखते हुए गुपकार अलायंस से बयान आया कि स्टेटहुड के रेस्टोरेशन के बिना असेंबली इलेक्शंस नहीं होने चाहिए। डलगेट और सोनावारी में कुछ यूथ ने शराब की दुकानें बंद करवाने की मांग को लेकर पीसफुल प्रोटेस्ट किया। दोस्तों, वहीं एक और खबर आई कि J&K बैंक सौरा के बैंक मैनेजर ने एक कस्टमर का खोया हुआ सोना लौटाया। KMC ऑफिस की तरफ मार्च करते हुए सीनियर BJP लीडर्स और वर्कर्स को पुलिस ने डिटेन किया। पिछबिहाड़ा में ऑल्टो कार और ट्रक की टक्कर के कारण कार ड्राइवर की मौत हुई। दोस्तों, अभी अभी एक खबर ये भी आई कि IPS ऑफिसर अब्दुल गनी मीर को डेप्यूटेशन पे एज IG ITBP अपॉइंट किया गया। दोस्तों, वहीं एक खबर अनंतनाग से भी आई कि अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में 2 चोरों को गिरफ्तार करके बैंक की चोरी को नाकाम किया गया। दोस्तों, ये तो थी आज की खबरें। चलिए अब फटाफट से आज की QNS की कोविड अपडेट्स भी जान लेते हैं। आज जम्मू कश्मीर में कुल 274 नए पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट हुए, जिसमें जम्मू डिवीज़न से 113 और कश्मीर डिवीज़न से 161 केसेस दर्ज हुए। और दोस्तों, वहीं 6 डेथ्स रिपोर्ट हुई। दोस्तों, अब हम आ पहुंचे हैं हमारे लास्ट सेक्शन में, जिसमें हम आपसे कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स शेयर करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम आपसे आज दिन से जुड़ा यानी कि 5 जुलाई से जुड़ा कोई हिस्टोरिकल फैक्ट शेयर करें तो वो ये होगा कि 1954 में BBC द्वारा पहला टेलीविज़न न्यूज़ ब्रॉडकास्ट किया गया था। दोस्तों, अमेज़ॉन एक ऐसी साइट है जिसे हम आजकल मूवीज़, सॉन्ग्स, सीरीज़ या शॉपिंग के लिए इस्तेमाल करते ही करते हैं। तो हमारा अगला अपडेट इसी से जुड़ा है, वो ये है कि 5 जुलाई 1994 को जेफ बेज़ोस ने amazon.com की नींव रखी थी। दोस्तों, वहीं हमारा आज का आखिरी हिस्टोरिकल फैक्ट ये है कि 5 जुलाई 2019 को इराकी सिटी बेबीलोन को एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला था। दोस्तों, इसकी न्यूज़ बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे ऐसे ही खबरें, आंकड़े और चंद इन्फॉर्मेशनल फैक्ट्स लेकर। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए QNS न्यूज़ के साथ और इसे YouTube, Instagram, Facebook और Twitter पे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी के साथ आप सभी मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।